बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नानी जान की पिटारी में खुश आमदीद। आज हम आपको लौकी आलू बनाना सिखाएंगे, और वो भी बहुत कम अज्जा के साथ। और ये बहुत मज़े की बनती है, हालांकि इसमें बहुत कम मसाले डलते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बनती है और जल्दी बन जाती है, और बच्चे बड़े शौक़ से इसको खाते हैं। तो ये तरकीब आप भी बनाएं ज़रूर, और क्या कहते हैं, इंजॉय करें इसको। मज़े की सब्ज़ी है, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, या चावल के साथ, हर तरह बहुत मज़े की लगती है। इसके लिए हमें चाहिए लौकी। हमने एक छोटी साइज़ की लौकी ली है, और 3 से 4 आलू लिए हैं, उनको बारीक काट लिया कतलियों की शक्ल में, और पानी में भिगो के रखा हुआ है ताकि इनका स्टार्च निकल जाए। लौकी को भी देख लें, बारीक काटा हुआ है, और आलूओं को भी बारीक काटा हुआ है। इनको पानी में डाल के रखें, वरना तो, क्योंकि इनमें सब्ज़ियों में आयरन होता है तो ब्लैक हो जाती हैं फौरन। और इसमें सिर्फ नमक, मिर्च और ज़ीरा डलेगा, कुटी हुई मिर्चें डलेंगी। और ऑयल के अंदर हम पहले ज़ीरा डालेंगे, और साथ में हम इसके अंदर नमक और कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, ताकि हल्का सा भुना हुआ जैसा टेस्ट आ जाए, मिर्चों का कच्चा कच्चा सा जायका ना रहे। इसको डालेंगे, और साथ में हम आलू और लौकी का भी पानी निकाल के वो भी डाल देंगे। हल्का सा इसको चला लेंगे, ताकि ये मिर्चों का जो कच्चापन है वो ना रहे, हल्का सा भुनावा फ्लेवर आ जाए। और ये आलू हम डाल देंगे, और साथ में लौकी भी डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप के करीब, ताकि ये गल जाए। वैसे तो सब्ज़ियों में से भी पानी निकलता है। ये लौकी भी डाल दी हमने, इनको अच्छी तरह थोड़ा भून लेंगे, ताकि सब्जियों का कच्चापन नहीं रहे। और तकरीबन आधा कप के करीब इसमें पानी डलेगा, ज़्यादा पानी नहीं डलेगा। और इसको ढक के हम 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे, हल्की से थोड़ी सी तेज़ बनाएंगे, तो ये इसमें गल जाएगा, और हल्का सा बिल्कुल ज़रा सा शोरबा रह जाएगा, वो इनके साथ मज़े का लगता है खाने में, तो बिल्कुल रोटी के साथ खाने में मज़े का लगता है। ये देखें माशाल्लाह, कितने अच्छी शक्ल के साथ ये तैयार है। थोड़ा सा पानी है इसमें, इसको भी हम खुश कर लेंगे, और लौकी भी बिल्कुल अच्छी तरह गल चुकी है, और आलू भी गल चुके हैं, और देखें कितनी फटाफट माशाल्लाह से तैयार हो गई ये सब्ज़ी। तो जो लोग सब्ज़ी को पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है, ज़रूर बनाएं, और फ़ायदेमंद भी है। लौकी आपको पता ही है कि बालों वगैरह के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आप ज़रूर इसको बनाएं। झटपट बनने वाली सब्ज़ी है, और ज़ायक़े में भी बहुत ज़बरदस्त होती है। हमें और हमारी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, और ऐसी ही अच्छी तरकीबें हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, सेहत और आफ़ियत के साथ, हर तरह की अपनी मखलूक के शर से हिफाजत पर रखें।